बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नाहिद असलम देसी फूड्स एंड ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब बहन भाई? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ सुहांजना और चिकन। उसके लिए ये मैंने आधा किलो सुहांजना लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ करके अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और चूल्हे पे मैंने कढ़ाई में पानी डाल के रख दिया है। जब पानी को बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं इसमें सुहांजना डाल दूंगी, क्योंकि सुहांजने को एक दफ़ा मैं अच्छे तरीके से बॉयल करूंगी, फिर उसका पानी स्ट्रेन कर दूंगी। उसके बाद मैं सुहांजने को चख के देखूंगी कि अब उसमें कड़वाहट कितनी है, और उसी हिसाब से मैं उसको दोबारा पानी बॉयल करके उसमें दोबारा फिर डालूंगी और फिर अच्छे तरीके से बॉयल करूंगी। फिर मैं उसको देखूंगी कि उसकी क्या कंडीशन है। बाकी का प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगी। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। सुहांजना मैंने दो दफा उसको अच्छे तरीके से बॉयल करके अच्छी तरह से उसको निचोड़ लिया है। तो अब दो चम्मच मैंने डाले हैं सालन वाले ऑयल के और इसमें एक बड़े साइज का प्याज ऐड करूंगी। चेंज करूंगी मैं और साथ ही साथ ही जो मैंने इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड करने हैं उन्हें साथ ही साथ बताऊंगी। और साथ ही मैं मेरी आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। और जो पुराने बहन भाई हैं वो भी प्लीज वीडियो को लाजमी वॉच करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज मैं बना रही हूँ सुहांजना और चिकन। ये भी स्पेशल सर्दियों की सौगात और बहुत फायदा है इसका जोड़ों के लिए, घुटनों के लिए, और जिस्म में दर्द होती है उसके लिए ये बहुत फायदेमंद है और बहुत टेस्टी भी बनता है। लाजमी पका के खाना चाहिए। अगर इसको अच्छे तरीके से बॉयल कर लें तो ये इसका जो कसैलापन होता है ना, कड़वा कड़वा सा, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और चिकन में तो जो और भी और गोश्त में डाल लें, चिकन में डाल लें, ये मर्जी है आप लोगों की, सब बहन भाइयों की, लेकिन बना के जरूर खाएं, ये बहुत फायदा देता है। हमारे घर में तो बहुत शौक से खाया जाता है। तो अभी प्याज ब्राउन होते हैं थोड़े से, मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। मौसम कैसा है? बहुत सर्दी है हमारी तरफ तो, बहुत सर्दी है। ऐसे है जैसे बर्फ में नहा के आई है सर्दी, इतनी सर्दी है। वो अल्लाह ताला गर्म करे, ना ज्यादा सर्दी बर्दाश्त होती है ना ज्यादा गर्मी बर्दाश्त होती है। इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं रहता। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है, अब इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। दो चम्मच मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट लिए हैं, पेस्ट के लिए हैं, इससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा इन्हेंस होगा। अब दो मिनट के लिए मैं फ्राई करूंगी, बल्कि उतनी देर के लिए मैं फ्राई करूंगी जितनी देर तक इसका कच्चापन खत्म नहीं हो जाता। लहसुन अदरक का पेस्ट भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब ये मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 5-6 मैंने सब्जी मिर्चियां काटी हैं और एक बड़े साइज का टमाटर था। उतनी देर तक फ्राई करूंगी जब तक टमाटर टेंडर नहीं हो जाते। तो
टमाटर हाफ डन हो गए हैं। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। नमक एक चम्मच लिया मैंने, हल्दी आधा चम्मच और सुरख मिर्चे मैंने जो ली है वो दो चम्मच मैंने सुरख मिर्चों के लिए हैं खाने वाले को। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। मसाला माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चिकन। आधा किलो मैंने चिकन इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। अब इसको मैं कम से कम 5 से 7 मिनट तक फ्राई करूंगी। उसके बाद देखते हैं कि गोश्त फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें 1/2 कप दही का ऐड करूंगी। अब उतनी देर तक इसको मैं फ्राई करूंगी जब तक जो दही में पानी रिलीज किया है वो खत्म नहीं हो जाता। दही का पानी भी तकरीबन रिलीज हो गया है। अब इसमें सुहांजना जो बॉयल किया हुआ है वो ऐड करूंगी। ये कितना प्यारा कलर लग रहा है चिकन का सुहांजने का। बहुत मजे का लगता है, हम तो बहुत शौक से खाते हैं। सर्दियों में 2-3 दफा तो मैं लाजमी बनाती हूँ। अब मैं इसको हल्की आंच पे कवर कर दूंगी। अब इसमें पानी नहीं डालूंगी, ये पानी का छींटा लगा दे थोड़ा सा, वो भी नहीं लगाना। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूंगी। इस चिकन और सुहांजना माशाल्लाह बनके तैयार हो गया। बहुत अच्छे तरीके से चिकन भी टेंडर हो गया है और सुहांजना भी बहुत घी छोड़ दिया। तो अब इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच 1/2 टेबल स्पून गरम मसाले का, ज्यादा नहीं ऐड करूंगी, और सब्ज धनिया। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। सालन बनके माशाल्लाह तैयार हो गया है। देखिए कितनी प्यारी लुक है, कितना अच्छा लग रहा है और वाकई बहुत टेस्टी बना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।